नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पुरंजय ज्योतिष की तरफ से आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे अगर किसी भी जातक या जातिका के नाम के पहले अक्षर हिंदी वर्णमाला के अनुसार द या इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार डी होता है, तब वो पहला अक्षर उस जातक या जातिका के जिंदगी के मोड़ पे कैसा कैसा प्रभाव विस्तार करता है। इसीलिए इस विषय को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। द या डी अक्षर के जातक स्वयं संपूर्ण होते हैं। ऐसे जातक या जातिका किसी के भी मुखापेक्षी नहीं होते हैं। कोई भी कार्य ऐसे जातक या जातिका हर वक्त अपने सर पे दायित्व लेके करता है और उसके लिए हर वक्त वो एक्टिव भी रहता है। ऐसे जातक या जातिका सेल्फ सेंटर्ड होता है। इन लोगों में खुद के आत्मसम्मान मर्यादा ज्यादा मायने रखते हैं। ऐसे जातक या जातिका सबसे आसानी से घुल मिल नहीं सकते हैं। ये थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं। ऐसे जातक या जातिका स्वाधीन चेता होते हैं। ऐसे जातक या जातिका आध्यात्मवाद में ज्यादा विश्वास रखते हैं। दोस्तों, ये हुआ द या डी अक्षर वाला कोई जातक या जातिका के चरित्र का विश्लेषण। दोस्तों, अगर आपके जिंदगी में ऐसे कोई समस्याएं है, तब जितना जल्दी हो सके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। भारतीय ज्योतिष के बारे में अगर आप में कोई भी प्रश्न है, तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पुरंजय ज्योतिष और पुरंजय ज्योतिष के सफलता के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारा वेबसाइट पे लॉगिन भी कर सकते हैं और हमारा वेबसाइट पे लॉगिन करके हर एक टेस्टिमोनियल को पढ़ भी सकते हैं जो हमारे बहुत सारे ज्ञानी गुणी विद्वान दोस्तों द्वारा पुरंजय ज्योतिष के बारे में लिखा गया है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए आपके अपनों में जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इस विषय को जान पाए और इसको अपनी जिंदगी में प्रयोग करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल ऑप्शन को जरूर प्रेस करना, ताकि इस चैनल का कोई भी अपडेट सबसे पहले आप पा सके और उसको अपनी जिंदगी पे प्रयोग करके अपनी जिंदगी को आसान बना सके। दोस्तों, आज यही तक। फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में भारतीय ज्योतिष के और एक चौंकाने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहना, आपके परिवार वालों को भी खुश रखना। नमस्कार।